अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास के 7 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। दिस इज लेक्चर नंबर 8 एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग यूनिट नंबर 10 फंडामेंटल्स ऑफ ज्योमेट्री। सबसे पहले यहाँ पे मैंने डेफिनेशंस मेंशन की भी हैं इस चैप्टर की, आपने डेफिनेशंस कौन कौन सी करनी हैं और ये तमाम डेफिनेशंस आपने अपनी नोटबुक्स पर नीटली नोट डाउन करनी है। और हर डेफिनेशन के साथ, क्योंकि ज्योमेट्री है तो हर डेफिनेशन के साथ आप उसकी जो है डायग्राम बनाएंगे या फिगर कह लें आप उसके साथ जो है बनाएंगे। फर्स्ट डेफिनेशन है आपकी एडजेसेंट एंगल्स, पेज नंबर 125 to 126 जो डेफिनेशन हैं वो आपकी ये 4 हैं। एडजेसेंट एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। पेज नंबर 135 to 136 जो डेफिनेशन हैं वो है सर्कल, रेडियस, डायमीटर, कॉर्ड एंड आर्क। टोटल 9 डेफिनेशंस हैं जो आपने अपनी कॉपीज पे विद डायग्राम्स नोट डाउन करनी हैं। अब मैं आपको ये सारी डेफिनेशंस आपके बुक पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओपन योर बुक्स, कम टू पेज नंबर 125। पेज 125, एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स की डेफिनेशन आपने यहाँ से लिखना शुरू करनी है। द एडजेसेंट एंगल्स मीन एंगल्स नेक्स्ट टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे के साथ जो जुड़े हुए एंगल्स होते हैं, मिले हुए एंगल्स होते हैं, उनको हम एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं। जैसे कि ये फिगर में भी बताया हुआ है, दो एंगल्स बने हुए हैं, एक एंगल आपका ये है और एक एंगल जो है ये है। दोनों एंगल्स देखें एक साथ जो है इस आर्म के थ्रू मिले हुए हैं आपस में, तो ये एडजेसेंट एंगल्स हैं। आगे डेफिनेशन में है, टू एंगल्स आर सेट टू बी एडजेसेंट इफ़ दे हैव द सेम वर्टेक्स, अगर उनका वर्टेक्स सेम हो, दे हैव वन कॉमन आर्म, अगर दोनों में एक कॉमन आर्म हो, अदर आर्म्स ऑफ टू एंगल्स एक्सटेंडेड ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म। कॉमन आर्म के अलावा जो बाकी के दो आर्म्स होंगे वो दोनों साइड्स पे जो हैं एक्सटेंड किए जा सकते हैं। जैसे ये फिगर बनाई गई है कि फर्स्ट जो कंडीशन है, दे हैव द सेम वर्टेक्स, सेम वर्टेक्स है दोनों एंगल्स का, वर्टेक्स ओ, दे हैव वन कॉमन आर्म, दोनों एंगल्स का एक कॉमन आर्म है ये ओ सी। एंड द थर्ड कंडीशन इज अदर आर्म्स ऑफ टू एंगल्स एक्सटेंडेड ऑन बोथ ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म। कॉमन आर्म के अलावा जो बाकी के दो आर्म्स हैं ओ बी एंड ओ ए, बोथ कैन बी एक्सटेंडेड टू अपोजिट साइड्स, दोनों साइड्स पे ये एक्सटेंडेबल हैं। तो ये आपकी एडजेसेंट की एंगल्स की डेफिनेशन है। यहाँ से यहाँ तक आप लोग इसको अपनी कॉपी पे लिखेंगे और साथ में ये वाली फिगर जो है ड्रॉ करेंगे। फिर है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। टू एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स व्हेन देयर सम ऑफ डिग्री मेजर इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या मतलब है कि अगर आपको दो एंगल्स दिए गए हैं, आप एडजेसेंट एंगल्स ही ले लें। यहाँ पे एडजेसेंट एंगल्स हैं ए एस डी एंड बी ए डी, या इसको आप एस ए डी पढ़ लें, एस ए डी एंड बी ए डी। टू एंगल्स हैं, ये एंगल आपका 30 है, ये एंगल आपका 60 डिग्री है। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे लाइक दिस, तो आपका सम जो है अगर 90 आता है, देन दीज टू एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सिमिलरली सप्लीमेंट्री एंगल्स, पेज 126, सप्लीमेंट्री एंगल, टू एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स व्हेन देयर सम ऑफ डिग्री मेजर इज इक्वल टू 180 डिग्री। जैसे आपका सप्लीमेंट्री में दिखाया गया था, कॉम्प्लीमेंट्री में दिखाया गया था, इसी तरह सप्लीमेंट्री में है। देखें, एक आपकी लाइन सेगमेंट बनी हुई है, उसके ऊपर दो एंगल्स हैं, टू एडजेसेंट एंगल्स हैं, 120 डिग्री एंड 60 डिग्री। जब आप इनको ऐड करेंगे तो इसका सम आपका आता है 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री आता है, देन इट मीन्स दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। फिर है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अ पेयर ऑफ एंगल्स इज सेड टू बी वर्टिकली ऑपोजिट इफ द एंगल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम टू इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड द एंगल्स आर नॉन एडजेसेंट। अब इसमें क्या होता है, वर्टिकली ऑपोजिट्स में नॉन एडजेसेंट एंगल्स जो हैं, इसमें नॉन एडजेसेंट एंगल्स होते हैं और ऑपोजिट साइड्स पे जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। अब जिस तरह देखें, यहाँ पे टू एंगल्स हैं ए बी एंड डी सी, दे आर इंटरसेक्ट ईच अदर्स, दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर्स एट पॉइंट ओ, तो आपके पास जो है यहाँ पे 4 एंगल्स फॉर्म हो गए, बी ओ डी, ए ओ सी, ए ओ डी एंड बी ओ सी।
ये फोर एंगल्स जो हैं आपके फॉर्म हो गए हैं। आगे डिटेल में आपको बताया गया है कि जो टू एंगल्स हैं कौन कौन से इनमें से वर्टिकली ऑपोजिट्स हैं। ये BOD और AOC देखें आपको नज़र आ रहा होगा, देखने में बिल्कुल एक जितने लग रहे हैं। तो ये वाले जो हैं आपके वर्टिकली ऑपोजिट्स हैं। अब ये नॉन एडजेसेंट क्यों हैं? क्योंकि बीच में देखें इसके यहाँ पे और यहाँ पर जो है गैप आ रहा है। एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं वो बिल्कुल मिले हुए होते हैं, लेकिन ये नॉन एडजेसेंट हैं, बीच में इन दोनों का गैप है। इसी तरह से AOD एंड BOC ये दोनों भी जो हैं एक दूसरे के वर्टिकली ऑपोजिट्स हैं। बाकी ये डिटेल पढ़िएगा, आपको और अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब पेज नंबर 135 पे आइए। सर्कल की डेफिनेशन है, अ सर्कल इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। सर्कल क्या होता है कि एक जो है प्लेन में सेट ऑफ पॉइंट्स होता है, पॉइंट्स का एक पूरा सेट होता है विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट से हर तरफ से एक जितना फासला रखते हैं, कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल, वो सर्कल का सेंटर कहलाता है। पेज नंबर 136 पे इसकी डायग्राम है, ये देखिए एक सर्कल बनाया हुआ है, उसका एक फिक्स्ड पॉइंट है O। अब इससे आप सर्कल के किसी भी साइड पर आप मेयर करके देख लें, वो आपका इक्विडिस्टेंट होगा। यहाँ से यहाँ तक आपकी सेम मेयरमेंट आएगी, इधर से आप इस साइड पे जाएंगे तो सेम मेयरमेंट आएगी, यहाँ से आप इस साइड पे आ जाएं तो भी सेम मेयरमेंट आएगी। अब यहाँ पे टू पॉइंट्स आपको बताए हुए हैं, ओ इसका फिक्स पॉइंट है, पी और इस पर जो है एनी पॉइंट है, मतलब कोई सभी एक पॉइंट। उसके बाद है रेडियस। रेडियस क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस। यही वाली एग्जांपल आपकी रेडियस में भी आएगी कि एक फिक्स पॉइंट और उससे किसी भी पॉइंट तक का जो है डिस्टेंस जो है रेडियस कहलाता है, मतलब सेंटर से सर्कल की किसी भी साइड तक का जो आपका डिस्टेंस है वो रेडियस कहलाता है। नेक्स्ट है आपका डायमीटर। अ लाइन सेगमेंट दैट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड टचेस टू पॉइंट्स ऑन इट्स एज इज कॉल्ड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। रेडियस जो है फिक्स्ड पॉइंट से किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस है, लेकिन डायमीटर जो है सेंट्रल पॉइंट को क्रॉस करता है और जो है ऑपोजिट साइड्स पे टू पॉइंट्स को टच करता है, मतलब किसी भी साइड पर आपका ऑपोजिट साइड्स पे आपका जो है ये टच करेगा। अगर आप यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आ रहे हैं तो ऑपोजिट साइड इस पॉइंट से आपने इसी डायरेक्शन में जाना है। ये पूरा जो है जो लाइन सर्कल को हाफ कर देती है वो आपका डायमीटर कहलाता है। फिर है आर्क। इफ़ वी कट अ सर्कल इट विल गिव अस दी कर्व शेप। अगर हम किसी सर्कल को काट देते हैं तो उसमें से हमें एक कर्व शेप मिल जाती है। दिस होल फिगर इज कॉल्ड सेक्टर। अब देखें यहाँ से हमने सर्कल का एक पार्ट अगर ले लेते हैं तो इसके साथ जो है ऊपर के साइड पे ये कर्व शेप है, ये आपकी कहलाती है आर्क। यहाँ पे इसको नाम दिया गया है सेक्टर का। An arc consists of two end points and all the points on the circle between these end points. बाकी इसकी आप डिटेल पढ़िएगा, आपको ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आर्क की डेफिनेशन जब आप देखेंगे ये आप फिगर ड्रॉ करेंगे। आर्क से पहले एक डेफिनेशन है कोर्ड। A line segment joining two points on the circle is called the chord. अब इसमें भी जो है एक लाइन सेगमेंट सर्कल के टू पॉइंट्स को जो है एक लाइन सेगमेंट के थ्रू ज्वाइन किया जाता है तो वो कोर्ड कहलाती है। देखें यहाँ से यहाँ तक एक लाइन के ज़रिए टू पॉइंट्स को ज्वाइन किया गया है तो ये कोर्ड है। ये डायमीटर से डिफरेंट है, डायमीटर जो है सेंट्रल पॉइंट को क्रॉस करती है ऑपोजिट साइड्स पे, लेकिन कोर्ड जो है किसी भी पॉइंट से टू पॉइंट्स तक ज्वाइन की जाती है। टू पॉइंट्स को ज्वाइन करने के लिए किसी भी साइड पर लाइन सेगमेंट ड्रॉ की जाती है, दैट इज़ कॉल्ड कोर्ड। ये तमाम डेफिनेशंस विद देयर डायग्राम्स आपने अपनी कॉपीज पे लिखनी हैं और याद करनी हैं। उसके बाद है एक्सरसाइज नंबर 10.1। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम ऑल द एंगल्स इन द फिगर विच आर एडजेसेंट। अब इस फिगर में जितने भी एडजेसेंट एंगल्स हैं उनको आपने लिखना है कौन कौन से एडजेसेंट एंगल्स हैं। एडजेसेंट एंगल्स आपको पता है एंगल्स नेक्स्ट टू ईच अदर जो एक दूसरे के साथ बिल्कुल मिले हुए होते हैं। अब देखिए हर एंगल दूसरे के साथ मिला हुआ है तो ये दो एंगल्स जो एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं ये एडजेसेंट एंगल्स कहलाएंगे। अब यहाँ से जैसे हम स्टार्ट करते हैं कौन कौन से एंगल्स मिले हुए हैं, एंगल ए एंड बी एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, ये फिगर और ये फिगर मिली हुई है, इसमें कॉमन आर्म ये है,
तो ए एंड बी आपके एडजेसेंट एंगल्स हैं, ये लिखा हुआ है फर्स्ट पे। फिर बी और सी, इसके दरम्यान में एक कॉमन आर्म है विद कॉमन वर्टेक्स, बी सी आपके जो हैं एडजेसेंट एंगल्स हैं। इसी तरह सी डी, डी ई एंड ई ए, दीज आर एडजेसेंट एंगल्स। आपको इसी तरह की कोई भी फिगर आती है किसी और लेवल के साथ, तो आपने एडजेसेंट एंगल्स को ऐसे ही आइडेंटिफाई करना है कि वो दो एंगल्स जिनका कॉमन वर्टेक्स हो, कॉमन आर्म हो, एक दूसरे के साथ मिले हुए हों, तो वो आपके एंगल्स जो हैं एडजेसेंट एंगल्स कहलाएंगे। उसके बाद 10.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, इन द फॉलोइंग फिगर ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी आर एडजेसेंट एंगल्स, दैट इज मेयर एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 20 डिग्री एंड मेयर एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू 42 डिग्री, फाइंड मेयर एंगल बी ओ सी। आपको ये जो फिगर दी गई है इसमें देखें दो एंगल्स आपको बता दिए गए हैं, एक आपकी जो मेन ट्राइंगल है दैट इज ए ओ एंड सी, इसका एंगल आपको दिया गया है 42 डिग्री, ये मैंने मेंशन करके लिख दिया। फिर इस ट्रायंगल में ही दो एडजेसेंट एंगल्स हैं आपके ए ओ बी एंड बी ओ सी। एडजेसेंट एंगल्स क्यों हैं, क्योंकि इनका कॉमन सेम वर्टेक्स है ओ एंड कॉमन आर्म है ओ बी, तो ये एडजेसेंट एंगल्स हैं। एडजेसेंट एंगल्स से एक एंगल आपको दिया गया है ए ओ बी 20 डिग्री, आपने जो है बी ओ सी फाइंड करना है जो एंगल आपको नहीं दिया गया। अब फिगर के अकॉर्डिंग जो मेन हमारा एंगल है वो है ए ओ सी, और उसमें दो एडजेसेंट एंगल्स लाई कर रहे हैं मेयर एंगल ए ओ बी एंड मेयर एंगल बी ओ सी, मतलब इन दोनों एंगल्स को अगर हम ऐड कर दें तो एंगल ए ओ सी है। तो इस फिगर की हेल्प से हमारा ये फॉर्मूला बन गया जहाँ से हम अपना एंगल बी ओ सी फाइंड करेंगे। मेयर एंगल ए ओ सी क्योंकि गिवन है 42 डिग्री एंड मेयर एंगल ए ओ बी भी गिवन है 20 डिग्री, मेयर एंगल बी ओ सी अननोन है इसलिए मैंने इसको एज इट इज़ लिखा है यहाँ पे। अब जिस तरह आपका सिंपल मैथ का रूल होता है, आपने इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, इसको हम जो है इक्वल के इक्वेशन के दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो साइन हमारा चेंज हो जाएगा, इधर पॉजिटिव था तो यहाँ पे आके आपका नेगेटिव हो जाएगा। छोटी वैल्यू को हम बड़ी वैल्यू की तरफ लेकर जाते हैं बजाय इसके कि बड़ी को छोटी की तरफ लेकर जाएं। फिर 42 में से माइनस करेंगे आप 20 डिग्री और ये इक्वल किसके होगा, मेयर एंगल बी ओ सी के, क्योंकि इसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई इसलिए ये इक्वेशन के इसी साइड पर रहेगा। 42 में से माइनस करें आप 20 तो आपके पास आएगा 22 डिग्री, दैट इज़ मेयर एंगल बी ओ सी। इसको अरेंज करके हमने लिखा मेयर एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू 22 डिग्री, दिस इज़ योर आंसर। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3 बुक पे ही आपने करना है, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। यहाँ पे आपको दो दो एंगल्स दिए गए हैं, आपने इनको ऐड करके देखना है कि कौन सा एंगल जो है कॉम्प्लीमेंट्री है कौन सा सप्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, 50 और 40 को ऐड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 90, सो दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। 120 एंड 60 को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 180 एंड दैट इज सप्लीमेंट्री एंगल। यहाँ दो एंगल्स आपको दिए गए हैं 70 एंड 70, दोनों को आप ऐड करें तो ये आता है 140, तो ना तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है ना ही सप्लीमेंट्री है, यहाँ पे आप लिख देंगे नॉट कॉम्प्लीमेंट्री एंड नॉट सप्लीमेंट्री। ये बाकी 3 एंगल्स भी आप ऐड करके चेक कर सकते हैं, उसमें आपको पता चल जाएगा कौन सा सप्लीमेंट्री है और कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री है। बाकी 3 क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। लेक्चर में जो हमने काम किया डेफिनेशंस एक्सरसाइज नंबर 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ तक का काम आपका कॉपी वर्क है। डेफिनेशंस में आपने हर डेफिनेशन के साथ उसकी डायग्राम बनानी है। 10.1 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आइडेंटिफाई करने हैं वो आप लोग अपनी बुक्स पर ही सॉल्व करेंगे।